हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है देखेंगे फ्रेंड्स हार्वेस्टर के ऊपर क्लच जॉइंट डाले कैसा निकाले और कैसा डाले और उसके क्लच डुम्बले से कैसा निकाल के कैसा सेट कर से देखेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बॉनट बोले से रहता फ्रेंड, बॉनट 15 साइज रिंग से उधर इधर रहता फ्रेंड्स ढीला करना, और उसके एक्सलीवर बोले से पिन निकालना, और एक्सलेटर 13 साइज बोल्ट नट रहता फ्रेंड्स वो निकालना, और पावर स्टेयरिंग 24 शट से निकालना, और 24 बिट से अपना क्लच जॉइंट बोले से निकालना, और ये रिंग नट बोले से रिंग पाना से निकालना, और नीचे भी हवे के 24 साइज के बोल्ट रहता उसको भी 24 साइज रिंग से भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अपन के मेन पाइप डीजल जाने का एक पाइप रहता फ्रेंड्स वो निकालना, और रिवर्स जाते से पाइप भी रहता फ्रेंड्स वो भी निकाले बाद जॉइंट बोले से निकलता वो क्या है कि याद ये है मेन पावर उसका एक्सलीवर का वो, और उसके पाइप रिवर्स जाने का, और उसके अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन माउंट के बराबर सेट कर लेना फ्रेंड्स माउंट, और उसके चैम्बर के नीचे सबल बोले से बराबर रख लेना माउंट भी बोले से कोशिश एक सपोर्ट के लिए उधर इधर रख लेना। अरे जॉइंट अरे 24 साइज़ के नट बोले से निकाल दिए और 24 बोले से ऊपर के 24 साइज बिट से निकाले। उसके बाद अपन पूरा जॉइंट पूरा उधर निकाले बाद अपन ये सपोर्ट रखना फ्रेंड्स कई बोल तो वो अपन जॉइंट निकालने से अपन झुक जाता, उसके लिए कस्टमर बोले से उसको टाइट कर रहा है वो ढीला कर दिया, उसके लिए अपन फिर टाइट करे बोल तो ओके कर दिया। ओके करे बाद अपन वो बोले से टाइट करे बाद अपन चैम्बर के नीचे सबल बोले से बराबर इम्पॉर्टेंट रखना, कई को बोले तो वो निकाले तो मुश्किल हो जाता और डाउन होता, क्लच बोले से जॉइंट बोले से नहीं मिलता। उसके लिए अपन चैम्बर के नीचे सबल रखिए बाद अपन जॉइंट बोले से हल्लू हल्लू निकालना, वो कैसा बोले तो कस्टमर उधर राइट साइड है ना लेफ्ट साइड है ना वो भी दो सबल लेकर है तो अपन जॉइंट बोले से पीछे करे तो जॉइंट बोले से निकलता ऐसा निकलता है फ्रेंड्स हल्लू हल्लू। अपन जॉइंट निकालते टाइम पावर स्टेयरिंग पाइप से बोल के और उसके एक्सलीवर उसके पिन बोले से और पाइपा बोले से वो आड़े आते रहते हैं फ्रेंड्स वो हल्लू बोले से हल्लू हल्लू निकालना, और फिर का आउटसाइड भी अपन के मेन पाइप और उसके उसके पाइपा बोले से आड़े आते रहते फ्रेंड वो साइड भी उसको भी देख लेते और उसको चैम्बर के नीचे देख लेते सपोर्ट के लिए देख लेते और पावर स्टैंड के पाइपा देख लेते हल्लू जॉइंट बोले से निकालते रहे तो अपन को ईजी प्रोसेस हो जाता। अरे वो साइड पावर स्टेयरिंग पाइप से आड़े आए उसके लिए मुश्किल हो गया जॉइंट बोले से रुक गया है हल्लू देख लेते निकालते रहना जॉइंट बोले से अपन अपन पावर स्टेयरिंग पाइप वो आड़े आते रहता फ्रेंड पावर स्टेयरिंग पाइप भी नीचे का वो भी स्लो बोले से निकालना, और उसके बाद हो गया फ्रेंड्स ये छोटा क्लच जॉइंट निकलता अपन के नीचे फ्री है से उस तो ऊपर हार्वेस्टर के ऊपर नहीं रहता वो। अपन ये क्लच डूम बोले से कैसा निकाले बोल तो 13 बिट्स से निकालना और नहीं तो रिंग 13 रिंग से निकालते रहता निकालना फ्रेंड्स। उसके बाद इन डूम वाले से निकालता और डूम कैसा निकालना बोल कैसा भी वो कैसा निकलता बोलता भी मेन शाफ्ट दिख रहा फ्रेंड्स वो मेन शाफ्ट बोले से आड़े आता और पीटीओ प्लेट आड़े रहता वो शाफ्ट क्लच डूम बोले से नहीं निकालता। उसके लिए अपन क्या करना बोले तो अपन पीछे लेके जाके एक मेन शाफ्ट राड है था फ्रेंड उसको ऊपर चढ़ाना, वो कैसा चढ़ाना बोले तो अपन स्क्रू ड्राइवर है था स्क्रू ड्राइवर्स के ऊपर करते कि उठे बाद अपन दो हाथों से उसको मेन शाफ्ट को ऊपर बिठाना जब भी बोले से क्लच डूम बोले से निकालता और क्लच डूम भी निकालना बोले तो फिर को शाफ्ट क्या है कि उधर पीछे लग जाके और उसका पीटीओ प्लेट बोले से निकाले बाद ही जो वो क्लच डूम बोले से निकालता और क्लच डूम निकालते रहे तो भी अपन को मिस्टेक हो के नीचे गिरता। उसके लिए अपन क्या करना बोलते वन से वो आउटसाइड एक कन पकड़ लेना अपन एक कन पकड़ लेके बाद ही अपन क्लच डूम बोले से निकालना और उसको मेन शाफ्ट देख रहा ना वो कई बोले तो नीचे है ऊपर है वो भी देख लेना क्लच जॉइंट डाले जब अपन को क्या बोलता क्लच जॉइंट बोले से अपन को नहीं मिलता। उसके लिए अपन पहले देख लेके और हल्लू स्लो कर लेके अपन क्लच डूम बोले से नीचे रख लेके बाद क्लच सेटिंग ऑटो अपने वीडियो में डाल दिया वीडियो देख लेगा क्लच सेटिंग ओके हो गया बाद अपन क्लच जॉइंट रुको सेम क्लच अब कैसा निकाले कि डूम कैसा डाले कि ये उसी चढ़ाना है
और इसको अपन अब इसका ये प्रॉब्लम क्या है बोल तो बेरिंगा भी गए इसके, पीडियो बेरिंग और क्लच बेरिंग रिलीज बेरिंग भी गई। उसके लिए अपन वो ड्यूम निकालना बोले तो भी अपन क्लच पिन और वो पीडियो पिन निकाल उसका कॉलर और पीडियो कॉलर और क्लच कॉलर बोले से वो निकलता। इसके लिए पीडियो पिन क्या है कि नीचे रहता फ्रेंड्स और क्लच पिन क्या है कि ऊपर रहता ये बोले से निकलता। अपन ये निकाले बाद भी अपन ज्वाइन करते टाइम अच्छे नए बेरिंग और कॉलर देख लेके नया डालना। और उसको अपन क्या बोले तो कोरकुराड है ना उसको फ्री करके भी उसको चढ़ाना इस तरह कैसा निकाले के उसे चढ़ाना। और अपन अभी क्या है अभी क्या चेक कराना बोल तो मेन शाफ्ट बेरिंग है थी फ्रेंड्स उसको प्ले है या नहीं अच्छा है क्या कि अच्छा साउंड आ रही नहीं आ रही बोल के भी वो चेक कर लेना। वो चेक करे बाद ही अपन मेन शाफ्ट बेरिंग डालने की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा रहे तो ओके है नहीं ख़राब रहे तो अपन 13 साइज बोल्ट बोले से उससे निकाल के अपन मेन शाफ्ट बेरिंग बोले से निकालना। ये है सब प्ले करके देखना फ्रेंड्स प्ले करे वैसे हाँ तो ओके है अच्छा है तो ओके। फिर बाद में क्या है कि 5 व्हील बेरिंग रहता फ्रेंड्स 5 व्हील भी बेरिंग भी चेक कर लेना। कहीं को बोले तो अपन 5 व्हील भी बेरिंग नहीं चेक कर लिए बोले तो ख़राब है बोले तो अपन आपका पीछे है से पीडियो बोले से फिरते रहता। उसके लिए अपन भी 5 व्हील बेरिंग भी दे 5 व्हील बेरिंग भी डाल देना। ये है फ्रेंड्स ये पीछे का अपन वन साइड का अपन को वीडियो नहीं बतलाया है उसके लिए मैं ये साइड आके आपको बतला रहा हूँ। मेन पाइप है और उसके 24 साइज के नट है और उसका ऊपर 32 के नट है उसके स्टेयरिंग पाइप रहते हैं फ्रेंड वो बोले से निकाल के बाद अपन 24 साइज बोल्ट और नट्टू वाले से रिंग पाने से कैसा मान लो आपको फील्ड पे जाए तो मैकेनिक कर रहे बोलते तो आपको ऑटोमेटिक क्या क्या बोलते हैं सब भी मानो रहता फ्रेंड्स। ये है अपना 24 साइज के आदि ये दिख रहा फ्रेंड्स उसके लिए 24 आवर्स वन साइड से भी निकाल सकते हैं। हो गया फ्रेंड क्लच सेटिंग आपको वीडियो में डाल लिया वीडियो में देख लिया सेटिंग करने के बाद अपन सेम कैसा निकाले कि उसी मार उसी उसके साथ ही सेम ऊपर रखे बाद और क्लच सेम डूम ऊपर चढ़ाए बाद पीडियो प्लेट रखे बाद ही अपन डूम बोले से चढ़ाना 5 व्हील को चढ़ाना। चढ़े बाद अपन 30 साइज के बोल्ट रहते हैं फ्रेंड स्क्रू क्या है कि उसको टाइट बिट से फिर को टाइट करना। टाइट करने वाला सा फिर को जॉइंट बोले से सेम कस्टमर उधर साइड इधर साइड है कि जॉइंट डाल देना। फिर को डालते टाइम अपन पावर स्टेयरिंग बोले से और उसके पाइप से आड़े आते हैं थे फ्रेंड्स उसको देख लेके और उसको सेम कर लेते हैं। ये क्या है बोलते अपन बोले नहीं उस कस्टमर क्या है कि लूज कर गया उसके लिए फिर टाइट कर रहा है फिर को मैं बोले नहीं ज़रा मिस्टेक है तो जॉइंट नहीं मिलती वो ये फिर हो गया फ्रेंड जॉइंट भी फिर ओके हो गया है जॉइंट भी मिल गया है। और उसको 24 साइज बोल्ट बोले से चढ़ा देते हैं और उसको फिर को वन से फिर को नट भी रहता फ्रेंड्स बाजू वो नट भी ओके कर दिए वो भी चढ़ा रहे फ्रेंड्स। और उसके ऊपर भी 24 के बोल्ट रहता और वो भी बिट 24 बिट से भी वो भी फिट कर देना फ्रेंड्स। और फिर को क्या क्या निकाले कि सेम में डीजल जाने का पाइप और रिटर्न जाने का पाइप और अभी क्या है एक्स लीवर पिन और पावर स्टेयरिंग पाइप उसके 24 साइज से टाइट करना। और ये क्या बोलते हैं एक्स लीवर एक्सलेटर 37 बोल्ट से और एक्स लीवर पिन वो ओके हो से जॉइंट डाले वैसे अपन क्लच बोले से सेट कर लेना। सेट करे बाद ही अपन को प्ले बोले से दिखता फ्रेंड्स वो कैसा कर लेते बोल तो अपन 14 शट पाना से भी ढीला करके और क्लच सेटिंग बोले से प्ले करना फ्रेंड्स। जब भी क्या है क्लच बोले से अपन को सेट करे से मालूम होता और ऐसा करना है फ्रेंड्स ढीला करके क्लच प्ले करना शट पाना से ऐसा प्ले करके ओके है नहीं है बोल के सेटिंग करे बाद में जो अपन ओके बोले से भी मालूम हो जाता फ्रेंड्स। फिर को हार्वेस्टर का सीज़न है फ्रेंड्स क्लच बोले से बहुत जाते रहते और सीज़न में बोले से बहुत प्लेटा जाते रहते अपन उसके लिए हार्वेस्टर को पर बिजी रहता फ्रेंड्स क्लच बर डाल रहे नहीं भी अब जल्दी हो जाता 3 घंटे में हो जाता कोई क्या भी मुश्किल नहीं होती नीचे के सिवा ऊपर क्या भी नहीं होता। ये हो गया फ्रेंड्स सक्सेस हो गया अपना क्लच पेड डाले क्लच भी निकाल दिए ओके फ्रेंड्स। और उसको कस्टम अभी और क्या बोलते
चेक अपन मैकेनिक वाले से भी चेक करना फ्रेंड्स, कई बोलो तो उसको मालूम हो रहा है ना क्लच भी कैसा है, जा मोशन दे रहा नहीं दे रहा, ड्रॉप दे रहा क्या है, उसको पावर क्या है उसका बताना फ्रेंड्स, अपन का मैकेनिक पावर भी बतलाना उसको। और क्या बोल दो कटर बार, एक कटर बार भी देख लेते वो सक्सेस करना फ्रेंड्स। ये है अपने बेहतरीन मैकेनिक है, उसको ट्रायल देख रहे हैं, उसको ट्रायल में भी सक्सेस बतलाना है। अभी ये है कटर बार है हल्लू उठ्रा फ्रेंड्स, ये रुकते 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 ऊपर चढ़ रहा और रुकते रुकते नीचे उतर रहा, वो कई को क्या बोले तो प्रॉब्लम, अपन मेन पाइप निकाले उसके जगह हेयर बोले से बोल दो ज़रा सांध आई, उसके हेयर बोले से जाता है, उसके लिए अपन मोशन ड्रॉप होता है, उसके लिए अपन क्या करना बोले तो सेम मेन पाइप को आना बन लगा के सेम उसको निकाल के फिर जॉइंट करना, करे बाद फिर को मोशन बोले से न्याय फ्रेंड्स देखो वो सेट करके फिर को ऑटोमेटिक आए वो अपना पावर स्टेयर टायर भी फिर रहे उधर इधर, और फिर को कटर बार बोरे से भी कैसा चल रहा और उसका देखो ऊपर नीचे फास्ट आ रहा और नीचे उतर रहा है। उसके बाद फील्ड बोले फील्ड पे रुके है गाड़ी है, फील्ड के ऊपर है बोल के अपन को बोले से अपन फील्ड के ऊपर जाके काम करे हैं फ्रेंड्स। ये ओके हो गया फ्रेंड्स, कस्टमर क्या है कि फिर को चढ़िया फील्ड के ऊपर चढ़िया ट्रायल देख रहा है और पीडियो गियर डाल के स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट के बाद फिर रहा है देखो फ्रेंड रोटर हो रहा है कटर बार भी फिर के रोटर करके अपन के धान बोले से निकाल रहा है फ्रेंड्स। अरे धान रोटेन हो रहा है फ्रेंड्स, रोटेन हो के पूरा ओके सेट हो जाता है फ्रेंड्स, अपन कटर बार ऐसे अरे धान बोले से ऐसा काटता है फ्रेंड। हार्वेस्टर जॉन डीर 5310 ओल्ड मॉडल है फ्रेंड्स, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन 5075E का मॉडल उसको धान कैसा काट रहा और उसका मोशन कैसा दे रहा और उसके कैसा अच्छा कितना फास्ट जा रहा, ए गियर पे कैसा जा तो कैसा फास्ट जा रहा, बी गियर पे जा तो कैसा ड्रॉप हो रहा देखते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे ये वीडियो में आगे वीडियो में। और से उसका पावर कैसा है 75 का एचपी, 75 एचपी ये क्या है कि 55 HP 5310 फ्रेंड्स। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए शेयर करिए, आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।